जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर 4 यानी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 4.1 को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन इसके पहले हम लोग ज़रा देखें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखें, कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों और उनका पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखें, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। यहाँ x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन हो गया और इसमें 2 वेरिएबल हो गया। तो आप समझ लीजिए, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर वन में है, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक का जो कास्ट है वह एक पेन के कास्ट का ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमको यहाँ पर एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज रुपी वाई। यहाँ नोट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ द या एंड दैट ऑफ ए पेन of a pen to be rupees y। अब according to question में दिया हुआ है कि cost of notebook is twice of the cost of a pen। ये है कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट होगा वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो देखें, नोटबुक का कॉस्ट हमने एक्स रुपीज लिया है और 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का जो कॉस्ट है वो वाई है। अब इसको हम बराबर के पहले ला दें तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जितने भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। जितने भी केस हैं उनमें ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, तो इसको सबसे पहले हम बराबर के अपोजिट साइड में लाएंगे। तो देखिए ये मिलेगा 2x प्लस 3y और माइनस हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसका कंपेरिजन कर दें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो देखें x का कोफिशियंट a होता है, यहाँ x का कोफिशियंट 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, y का कोफिशियंट b होता है तो b की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट c की वैल्यू माइनस 9.35 बार। आपसे यही पूछा जा रहा था तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट को हम लिख सकते हैं ये x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो इसको हम x माइनस 1 बाई 5 वाई और माइनस हम 10। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशियंट होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, तो इसलिए हमको सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करना होगा सबको। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा ये y, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम कंपेरिजन कर लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ x को कोफिशियंट a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, y का कोफिशियंट b इज इक्वल टू, यहाँ y का कोफिशियंट कुछ नहीं है तो माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट c की जो वैल्यू है ये माइनस 50 है। अब इसी तरह से हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, हम 6 को अपोजिट साइड में लाते हैं इक्वल के, माइनस ये है 2x प्लस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब कंपेरिजन करिए आप तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 6, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट को देखें तो x इज इक्वल टू 3y दिया हुआ है, इसको अगर सही तरीके से हम लिखें तो x माइनस 3y और प्लस हम चाहें तो 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम कंपेरिजन कर दें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो x को कोफिशियंट यहाँ a है और यहाँ x को कोफिशियंट कुछ नहीं तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो b की जो वैल्यू है वो माइनस 3 हो जाएगी और कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4 सॉल्व हुए। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, तो माइनस 5y को हम इक्वल के अपोजिट साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y और प्लस 0 करके हम इसको भी 0 कर देंगे, और फिर कंपेरिजन करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो x का कोफिशियंट a की वैल्यू 2 हो गई और फिर y का कोफिशियंट b की वैल्यू 5 हो गई और c की वैल्यू 0। अब इसी तरह से 6 पार्ट में दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0y
प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वाई का टर्म नहीं दिया है तो जीरो वाई कर लेते हैं, और फिर अगर कंपेरिजन कर ले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो देखें एक्स का कोफिशियंट ए की वैल्यू 3 है, वाई का कोफिशियंट बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 2 दे दिया है, तो ये भी वैल्यू निकल गई। फिर यहाँ पर अगर देखें ये 7th पार्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेरिजन हम कर लें तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखें a की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू माइनस 2 हो गई। अब इसी तरह से 8th पार्ट जो दिया हुआ है, चलिए अब ये 5 इज इक्वल टू 2x है, तो 2x को अगर हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, और देखिए यहाँ y का टर्म नहीं है तो 0y कर लेते हैं, और फिर प्लस ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। फिर इसका भी कंपेरिजन हम करेंगे तो अब देखें ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, फिर देखें x का कोफिशियंट a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू हो गया 5। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व होता ही है, इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 जो है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो एक्सरसाइज 4.2 का बनेगा, तो हमें उम्मीद है कि आज ये एक्सरसाइज 4.1 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।